फर्स्ट वन वॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ से विद इन स्क्वायर रूट पॉइंट्स वाले नंबर से 8.1। कौन बताएगा मुझे क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं टू रिप्रेजेंट दी नंबर्स अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री? वो तो आपको आता होगा, हो उसमें प्रॉब्लम है? ये वो भी बताऊं, अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री किस तरीके से प्लॉट करना है? शुड आई रिपीट दैट? हाँ जी बच्चों, अगर आपको आपको चलिए पहले बता दीजिए मुझे, रूट टू है या रूट थ्री है? इफ आई वांट टू प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, एनीवन फ्रॉम 9A, 9A से रॉबिन, रॉबिन फ्रॉम 9A, आ जा बेटा आगे आ जा। अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे बताऊंगी। मैम रिपीट द क्वेश्चन। हाउ एम आई गोइंग टू प्लॉट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन? ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके जी, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, लो जी कर दी। ये मेरा जीरो है, कितने यूनिट जाऊं इसके अलावा? पिन कर 8। एक यूनिट। ओके जी, ये बोल रहा है जो खड़ा है या आप ही बता रहे हो बच्चे? वन यूनिट वी मूव्ड ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द नंबर लाइन। आगे चलिए जी। अब डी से किस डायरेक्शन में 1 यूनिट जाऊं? कहां मैम 20 से सी है सी? इधर, ऊपर, नीचे, इधर जाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं, किधर जाऊं? मैम आप मैम लाइट वो लाइट है जी, राइट में जाऊं, 1 यूनिट और राइट में जाऊं। इधर एनीवन एल्स फ्रॉम 9A जो मुझे सही स्टेप्स बताएगा? ये जो माइक के साथ ही बैठे हैं बच्चा, इसी टेबल पे ही बैठा है, बताओ बेटा क्या करूं? मैं ऊपर को ऊपर आई हैव टू मूव 1 यूनिट इन पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन। 1 यूनिट यहां मूव किए, 1 यूनिट यहां मूव किए। अब इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस ओई, ये 90 डिग्री राइट एंगल पर हमने मूवमेंट किया। 1 यूनिट अलोंग आई कैन से एक्स एक्सिस, 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ओ ई डिस्टेंस, अगर ये 90 डिग्री पर है तो ये ओ ई डिस्टेंस क्या होगा और कैसे निकालोगे? मैम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जो ओ ई का स्क्वायर है वो होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। दिस इज वन, दिस इज वन, इसका मतलब है ओ ई का स्क्वायर जो है तो ओ ई कितना हो जाएगा? अंडर रूट टू। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट टू है, लेकिन मुझे तो अंडर रूट टू इस लाइन पर प्लॉट करना था। मेरी बात समझ में आ रही है? रूट टू मुझे कहाँ लेके जाना था? मुझे तो लाइन पे लेके जाना था। तो मैं क्या करूं, मैं कंपास को यहाँ पे रखूं, इतना खोलूं और क्या करूं, ये मूवमेंट करने के बाद इसको नीचे ले आऊं? ऐसे यहाँ पे कंपास रखा, इतना खोला और ये नीचे उतार दिया। ये पॉइंट अगर सी है तो ये जो ओ सी डिस्टेंस हुआ ये होगा अंडर रूट। ये बात समझ में आई है? जिस जिसको कोई डाउट है तो देख लो ध्यान से, दोबारा देखो। 1 यूनिट इधर मूव किए ओ डी पॉजिटिव एक्स की तरफ, फिर इस डी पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट 90 डिग्री के एंगल पर मूवमेंट करें। ये वन तो पाइथागोरस से ओ ई डिस्टेंस रूट टू, लेकिन मुझे रूट टू डिस्टेंस अपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना था। तो मैंने क्या किया, ऊपर कंपस रखी, इतना उसको खोला और नीचे मूव करके मैं कहां पर आ गई, सी पर। सो ये वाला डिस्टेंस मैंने यहां नीचे उतार दिया, इट मींस दिस डिस्टेंस ओ सी दैट इज अंडर रूट टू। इज इट ओके? अब मैम अगर मुझे अंडर रूट थ्री करना हो तो क्या करूं?
मुझे मालूम है अगर मैं अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, टू प्लस वन दैट इज थ्री, से ये डिस्टेंस रूट टू यहां पर अब 90 डिग्री के एंगल पर 1 मीटर चले जाओ, तो ये ओ ये ई था, ये लेटर से एफ पे चले गए, तो ये ओ एफ डिस्टेंस क्या ये रूट थ्री हो जाएगा। ध्यान से देखो ये ओ ई यहां लिख दे रही हूं मैं, ये ओ ई का स्क्वायर, ये ई एफ का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, ओ एफ के स्क्वायर के। सो ओ एफ का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ये आया है 3 ओ एफ का स्क्वायर। सो इफ आई टेक ओ एफ दैट इज अंडर रूट 3, तो ये डिस्टेंस ओ एफ कितना हो गया, रूट 3। अब अगर मैंने प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो यहां से खोलूंगी इतना और इसको नीचे ले जाऊंगी, मान लो इस पॉइंट को जी कह देते हैं, तो जो ओ जी डिस्टेंस है वो है अंडर रूट 3। तो ऐसे ही आप रूट 3 रूट 5 कुछ भी जो है वो प्लॉट कर सकते। ये तो हुआ एक टास्क। ये हम प्लॉट कर रहे हैं वो इरेशनल नंबर्स जो होल नंबर्स के स्क्वायर रूट से आ रही है। अब अगर होल नंबर ना हो करके मुझे प्लॉट करना हो से अंडर रूट 8.1, मैं स्टेप्स आपको आते हैं, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना लिखते जाना, और कहीं पर कोई डाउट हो तो वो आपने पूछना है। सबसे पहला स्टेप, मुझे नंबर लाइन पर कितना डिस्टेंस प्लॉट करना है, देखते हैं किस किस को याद है, बोलते जाओ जरा, कितना डिस्टेंस प्लॉट करना है मुझे नंबर लाइन पर। 8.1 स्टेप्स लिख लो, अगर स्टेप्स में लिख के चलोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता, कितने स्टेप थे, नंबर ऑफ स्टेप्स याद रख लोगे तो फिर वहां से चलना थोड़ा सा कंपेरेटिवली हमारे पास आसान हो जाता है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप हम कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास डिस्टेंस है, ये जरूरी 8.1 या 3.5 ये 7.2 कुछ भी डिस्टेंस है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी डिस्टेंस सपोज कर दिया 8.1। अब एक सेट रूल है, यहां जो मर्जी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या पड़ा है मेरे को कोई लेना देना नहीं। पहला स्टेप इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, दूसरा स्टेप इसको एक यूनिट एक्सटेंड कर दो, इसको क्या किया हमने एक यूनिट एक्सटेंड कर दिया, तो बी से सी तक गए तो कितना आया मेरे पास 1 यूनिट। पहला स्टेप मैं यहां लिख रही हूं, ड्रॉ अ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट आई शुड से, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8.1। हेलो, ठीक है जी, सेकेंड और नाइन एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इज 1 यूनिट। स्टेप्स लिख लो ताकि स्टेप काउंट करते जाओगे गड़बड़ नहीं होगी, याद आई जाएंगे क्या क्या कर रहे थे, जितनी लेंथ यहाँ दी है पहले वो प्लॉट कर, इसको 1 यूनिट, ये हमेशा एक्सटेंशन 1 यूनिट की होगी, चाहे आप ये लेंथ जितनी मर्जी ले लो उससे कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, मुझे इस ए सी का मिड पॉइंट निकालना है, क्या करना है मुझे, आई हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये आप सबको मालूम है, सिक्स क्लास में आप पढ़ते थे। ठीक है जी, क्या करना होता है मिड पॉइंट निकालने के लिए, बाइसेक्टर निकालने के, यहां पर आपने अपनी कंपास को रखा, इसको इसके आधे से थोड़ा ज्यादा ओपन करके एक आप यहाँ लगा दिया, अब कंपास को यहाँ सी पे रखा, वही आधे से ज्यादा खोला, एक आप यहाँ पर लगा दी, एक आप यहाँ पर लगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया, तो लेट अस से ये पॉइंट मुझे मिल गया, इसको मैं बोल देती हूँ बी। थर्ड स्टेप हमने क्या किया है,
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी इंटरसेक्टिंग इट एट डी, इंटरसेक्टिंग इट एट डी, ये डी पॉइंट पर इस एसी को इसके बाइसेक्टर ने इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, मुझे इस डी पॉइंट को एज सेंटर लेकर के और ए डी को एज रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये एसी डायमीटर बन गया मेरे सेमी सर्कल का, इसका मतलब ये मिड पॉइंट मेरा सेंटर होना चाहिए, ये मेरा रेडियस है, यहां पे कंपास के टिप रखी, इतना खोला और सेमी सर्कल ड्रॉ। चौथा क्या किया, चौथा स्टेप क्या है, टेकिंग डी एज सेंटर एंड ए डी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ठीक है जी, चार स्टेप हो गए, पांचवा स्टेप, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि इस सेमी सर्कल को ई पॉइंट पर काट रहा है। पांचवा स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट बी इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट ई। अब ये जो डिस्टेंस डी ई है ये है आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये डी ई डिस्टेंस इज अंडर रूट 8.1। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि मुझे तो नंबर लाइन पर लेके जाना था इसको, तो क्या करोगे, यहां कंपास रखोगे, यहां इतना खोलोगे और इसको नीचे उतार दोगे, लेट अस से F पॉइंट पर। ठीक है जी, यहां से इस डिस्टेंस को नीचे उतारा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ अंडर रूट 8.1। तो छठा स्टेप, आई राइट हियर डी ई इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस एंड यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन द लाइन, ब्रिंग इट ऑन द लाइन एज डीएफ, ये डिस्टेंस उठा के नीचे ले आए हम, क्योंकि मुझे तो लाइन पर ड्रॉ करना था, तो ये जो मेरा डीएफ डिस्टेंस होगा वो होगा मेरा अंडर रूट एक्स। स्टेप्स को एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, दिस इज नॉट बीडी, सॉरी 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 बच्चों। ये डीई डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि ये अगर आपका सर्कल है तो ये आपका रेडियस और ये भी आपका रेडियस है। ये वाला डिस्टेंस कितना था, यहां से अगर यहां तक हम गए हैं, ये एक्स है, ये डिस्टेंस वन, तो ये डिस्टेंस तो है एक्स प्लस 1/2 और ये बनता है एक्स माइनस 1/2, तो ये है रूट एक्स, सॉरी जी ये बीई डिस्टेंस, माय मिस्टेक,
ये बीई डिस्टेंस है आपका अंडर रूट 8.1। डिस्टेंस बीई इज अंडर रूट 8.1। दोबारा देखो, यहां तक स्टेप सेम। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल को ई पर काट रहा है, और अब जो ये आपका बी डी डिस्टेंस हुआ वो हुआ अंडर रूट एक्स, और इस डिस्टेंस को अब आपने नीचे उतार दिया। ये बी पॉइंट था मेरा, यहां पे रखा, ये रखा, एंड इसको नीचे लाओगे तो ये जो डिस्टेंस है बी एफ, ये है अंडर रूट एक्स या अंडर रूट 8.1, व्हाटएवर यू कॉल इट। दोबारा देखते हैं, पहला स्टेप क्या है, जो भी यहां पर डिस्टेंस था उसको प्लॉट कर दिया आपने, एक यूनिट उसको एक्सटेंड करा, फिर जो लाइन बनी एक यूनिट एक्सटेंड करने के बाद उस पूरे डिस्टेंस का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये मिड पॉइंट, ये रेडियस लेकर के सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो डिस्टेंस 8.1 लिया था उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसने सेमी सर्कल को ई पॉइंट पर काट दिया। ये जो डिस्टेंस है आपका बीई, दिस इज योर अंडर रूट एक्स, अगर मैं इसको एक्स मान लू, या अंडर रूट 8.1, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और इस डिस्टेंस को अब आपने नीचे उतारना है। ठीक है जी, स्टेप्स क्लियर हुए। एक बार हम कोई और डिस्टेंस के साथ ये नोट कर लिया, एक डिस्टेंस के साथ जल्दी जल्दी दोबारा करके देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हम कह रहे हैं। सपोज मुझे प्लॉट करना है अंडर रूट 9.3, पहला स्टेप जल्दी से बोलिए क्या करो। कर दो फटाफट, एक लाइन सेगमेंट बनाओ 9.3 लेंथ का। एक्सक्यूज मी मैम, मॉड्यूल हाँ जी बेटा, बनने में वहां पे 2.3 है। कहाँ पर 2.3 है? नहीं कुछ भी, 9.3 ले लो, मैंने डिस्टेंस कुछ भी अब्रप्टली 9.3 जो आपको दिया वो ले लो, चाहे ये ले लो, हमें तो स्टेप देखने, ये डिस्टेंस का तो सिर्फ इतना काम है कि एक लेंथ ड्रॉ कर दी है, हमें तो स्टेप से समझ में आने चाहिए। लेंथ कुछ मर्जी लो, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ लेंथ जो मर्जी लो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी, 9.3 ड्रॉ किया, पहला स्टेप। अब कितना एक्सटेंड करना है इसको? यूनिट 1 यूनिट हमने एक्सटेंड कर दिया, आ गए हम सी पर। अब क्या करना है अगला स्टेप? परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे आर्क रखी, इसको आधे से ज्यादा खोला, इधर आर्क लगाई, ऐसे इधर लगाई, ये बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसको से डी पर कट कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या करना है? इंटरसेक्शन अब सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, टेकिंग डी एज दी सेंटर एंड ए डी एज दी रेडियस। ये ड्रॉ हो गया हमारा सेमी सर्कल। अगला स्टेप क्या है जी? डी परपेंडिकुलर आंसर। पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो सेमी सर्कल को ई पर काट रहा है। ये बीई डिस्टेंस ही मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, इसको मैंने नीचे उतारना है, तो यहाँ पे कंपास रख के इतना खोल के ये हम नीचे आए से एफ पॉइंट। तो यहाँ पर जो ये आपका बी एफ डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 9.3। तो स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? यस ठीक, यस स्टेप्स
पहले जो डिस्टेंस दिया ड्रॉ करो, एक यूनिट आगे ले जाओ, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, बाइसेक्टर जहां लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेंटर, और इस एक्सट्रीमिटी को रेडियस मान के सेमी सर्कल ड्रॉ करो, जो बी पॉइंट था ए बी जो डिस्टेंस ड्रॉ किया था उसके परपेंडिकुलर डालो, जहां इसको काटेगा वो डिस्टेंस आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस, उसको नीचे उतार दो, बस इतना ही काम है। याद रहेंगे स्टेप्स? तो फर्स्ट जो आपकी वो है उसमें असाइनमेंट में और कुछ रहता था इसके अलावा या हो गया था? हाँ जी हो गया था, ठीक है। चलिए जी, सेकंड मॉड्यूल है आप लोगों के पास। सेकंड मॉड्यूल में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स। मैम हाँ जी बोलिए। केस केस स्टडी नहीं हुई अभी, फर्स्ट स्टडी पूरी नहीं हुई है? कुछ पार्ट नहीं हुआ, कुछ तो कर लिया था। पार्ट हो गया। केस स्टडी में हमने फर्स्ट और सेकंड रैशनल और इरैशनल नंबर्स कर लिए थे। अब रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये पार्ट अभी रह गया। ठीक है, लो जी, पहला नंबर है आपके पास x इज इक्वल टू 23.434343 एंड सो ऑन। हमने ये बात की थी कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो तो वो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता। रैशनल करता मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, और मुझे कहा गया इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर के आओ। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे क्या स्टेप है जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या देख करके कैसे हम काम करते? ये देखो जी, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं मेरे पास डेसिमल के बाद? टू अगर दो डिजिट्स की रेपिटेशन है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100, उसका फायदा क्या होगा वो देख। अगर मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा बता सकते हो? ये ओके हाँ, मेरा डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, टू प्लेसेस ऑन दिस साइड और टू प्लेसेस ऑन दिस साइड, राइट साइड राइट? राइट तो मेरे को क्या मिलेगा, आई गेट 23.434343 एंड सो ऑन। ये मैंने 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई, मेरा टारगेट था कि मैं डेसिमल के बाद वाले नंबर सेम कर दूं, क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। रैशनल का मतलब पी बाय क्यू में पी और क्यू इंटीजर्स चाहिए, मतलब नौ जो मेरा डेसिमल के बाद वाला पार्ट है नॉन इंटीजर पार्ट है उसको मैंने जीरो करना है, ये मेरा टारगेट है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने इसको थ्रू आउट 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो अगला स्टेप क्या है, 2 माइनस 1 100 माइनस 100x माइनस x करेंगे तो 99x आ जाएगा। डेसिमल के बाद वाला सब कुछ सेम है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो मुझे अब क्या करना है, 2343 में से 23 को माइनस करना है, तो क्या आएगा 2320। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2320 डिवाइड बाय 99। स्टेप्स को सिर्फ समझ के करोगे तो क्वेश्चन कुछ मर्जी आ जाए, गलती नहीं करोगे। जब भी मुझे पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, मेरा टारगेट है डेसिमल पार्ट को जीरो करना। अब डेसिमल पार्ट को जीरो करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। यहाँ पर जो पार्ट रिपीट हो रहा था उसके अलावा डेसिमल के बाद और कुछ नहीं पड़ा था, तो सीधा सीधा जितनी डिजिट रिपीट थी उतनी बार उससे मल्टीप्लाई की और काम कर लिया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, इज इट ओके? यस अगला पार्ट देखो और जरा बताएंगे आप लोग पहले मुझे कि मैं क्या करूं। यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर 0.235 और 35 के ऊपर बात। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो तो इट वाज 23.43 के ऊपर बार था, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसके अलावा और कोई नंबर डेसिमल के बाद नहीं था, लेकिन अभी यहाँ एक ये पड़ा है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये है 3535 3535 एंड। अब
अगर हम कहें कि यहां पर भी जो रिपीट हो रही है वो तो दो ही है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, मेरी बात बन जाएगी क्या? मैम 1000 से नहीं करना। मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, शुड आई मल्टीप्लाई इट विद 100 और शुड आई मल्टीप्लाई इट विद 1000? देखो, दो तरीके हैं समझने के। अगर मैं इसको रेपिटेशन दो की हो रही है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? ये बन गया 23.53535। बात गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ था 0.235, यहाँ गया 0.535, मतलब मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहला स्टेप इसमें फॉलो करती हूँ, मैं पहले ही इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। स्टेप को ध्यान से देख लेना, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर जो मेरा बन जाएगा, दैट इज 2.353535 एंड सो ऑन। अब ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया। ये बात समझ में आई? हमने क्या करा, जो एक डिजिट बिना रेपिटेशन की डेसिमल के बाद पड़ी थी उसको भी डेसिमल से पहले ही ले आए, ताकि अब यही काम वापस करना पड़े, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या करती हूँ, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, और क्योंकि अब दो डिजिट्स की रेपिटेशन है तो ये बन गया अब 1000x इज इक्वल टू 235.353535 सो ऑन। बस जी, बात बन गई मेरी। अब नाउ आई विल से दिस एज वन, दिस एज टू। और अब जब आप 2 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 990, और यहाँ आ जाएगा 232। ये तो 0 हो गया, 235 में से 2 जाएंगे तो 233। तो 990x इज इक्वल टू 233। सो x की वैल्यू हो गई 233 अपॉन 990। तो इन जनरल मुझे क्या चीज याद रखनी है, उस बात को समझ लो, सुन लो ध्यान से। मेरे को सबसे पहला काम करना है कि डेसिमल से बाद में सिर्फ और सिर्फ वो नंबर रखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे रिपीट उन सबको डेसिमल से पहले लेके आना है। ये मेरा पहला टारगेट। जब हमने पहला नंबर देखा दैट वाज 23.43, तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट था ही नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा हो। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो मेरा टारगेट है सबसे पहले इसको डेसिमल के इधर उठा दूँ। डेसिमल के इधर करने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही डिजिट है जिसको इधर शिफ्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हुआ, अब दो दो डिजिट्स की रेपिटेशन। जब दो डिजिट की रेपिटेशन है तो मुझे पता है 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डेसिमल के बाद वाली चीजें गायब हो गई, बाकी बची बिल्कुल नहीं। मेरी मेरी बात समझ में आई है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? स्टेप्स, पहला स्टेप मैंने क्या कहा क्या करना है, डेसिमल के बाद क्या चीज हटानी है मुझे। अगर डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट पड़ा है जो रिपीट नहीं हो रहा, उसको डेसिमल से पहले लाना। अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दो होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तीन होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेड वाले डिजिट्स बच गए। अब जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतनी 10 की पावर से वापस मल्टीप्लाई, यहाँ दो हो रही थी तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 255 में चले गया, ये 0.3535 रह गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आ गया। बात कुछ समझ में आई कि नहीं ये बता दो मुझे, यस पक्का? यस अब अगर मेरे पास है, जैसे इसी ने ही एक नंबर दिया, फटाफट मुझे स्टेप बताने हैं। बस नंबर है मेरा 15.712 और 12 पर बार है, तो पहला स्टेप क्या करूं?
कितने से मल्टीप्लाई करूं पहले स्टेप में? टेन टेन से, क्योंकि मेरे पास एक ही नंबर ऐसा पड़ा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूंगी? उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ना बेटा, एक तरह से चीज को याद रखो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से चल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हमने कहा कि यहाँ पर मेरे पास है ये डेसिमल वाला, इधर लाने के लिए मैंने क्या कहा 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 157.12 12 12 है, सो ऑन। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? ना बेटा, अब 1000 से क्यों? कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? दो ही तो रिपीट हो रही है, 1 2 की ही रेपिटेशन है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000x 157.12.12 12 12 12 एंड सो ऑन। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो गायब हो जाएगा, 157.12 में से 157 आपको अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। 15712 में से 157 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 990x। तो x की वैल्यू डिवाइड बाय 990। ठीक है जी, ये फर्दर भी आप रिड्यूस कर सकते हो, 3 से कैंसल आउट हो रहा है आपके पास ऊपर नीचे अभी, तो एक कैंसलेशन वो आप कर सकते हो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 30, 3 5 15, 3 1 3 8 3 5। तो फाइनली आंसर 5185 डिवाइड बाय 5185 डिवाइड बाय 330। ठीक है जी, चलें आगे। बच्चों ये समझ में आ गया, आगे चलूं? ठीक यस यस है, अब हमने जो नेक्स्ट बात करनी है दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स, और साथ में रैशनल नंबर भी हो तो क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या मेरे पास आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल? हाँ जी, इरेशनल एक रैशनल है सपोज टू है, दूसरा इरेशनल है से रूट पर, इन दोनों को ऐड करूंगी तो आंसर कैसा हुआ? रैशनल, 2 + √5 इज अ रैशनल नंबर, रूट है, 2 + √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल, इरेशनल अगर एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो एंड रिजल्ट क्या आने वाला है? इरेशनल। अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। इरेशनल। प्रोडक्ट करने पर भी इरेशनल, अगर मैं कह दूं 2 under √5 इरेशनल, 2 - √5 इरेशनल, 2 upon √5 इरेशनल। ठीक है जी, लेकिन अब अगर ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और जवाब देना, अगर मेरे पास दो इरेशनल नंबर्स हैं, क्या हैं? दो दस नंबर इरेशनल, अब हम बात कर रहे हैं
या हमने बात की एक रैशनल इरेशनल की, अगली बात हम कर रहे हैं दो इरेशनल नंबर्स। अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करूं तो क्या मेरा रिजल्ट कभी रैशनल हो सकता है कि हमेशा इरेशनल ही होगा? सोच के बताना। मैं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से क्या रिजल्ट हमेशा रैशनल या इरेशनल? आप बता सकते हो कि हमेशा रैशनल, हमेशा इरेशनल, या कभी रैशनल कभी इरेशनल हो सकता है? कभी रैशनल कभी इरेशनल। एग्जैक्टली, कैन यू टेल मी सम एग्जांपल? इफ वी ऐड अंडर रूट 2 विद अंडर रूट 2 इट विल गिव अंडर रूट 4 एंड इट्स रूट विल बी 2। एक मिनट, अगर मैंने अंडर रूट टू और अंडर रूट टू को ऐड किया, ये क्या देगा मुझे? अरे अंडर बाप, बेटा अगर मैं एक्स प्लस एक्स को ऐड करती हूँ तो क्या 4x मिलता है? क्या मिलता है? एक्स प्लस एक्स गिव्स मी 2x। यहां पर भी सेम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, इरेशनल हुए तो क्या हुआ? टू आंसर थोड़े ना चेंज हो जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका? टू 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 टाइम्स रूट टू, ये रूट 4 नहीं हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स सेम नंबर को दो बार ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर हो जाता है, राइट? यहां पर ट्वाइस ऑफ, अगर हमने 2 + 2 किया तो ट्वाइस ऑफ 2 4 हुआ, यहाँ पर √2 + √2 किया तो ट्वाइस ऑफ √2 होगा। सो यहां पर मेरे पास दो इरेशनल का रिजल्ट ऐड करने पर इरेशनल आ रहा है। क्या ऐसे कोई दो नंबर हो सकते हैं जिनको ऐड करके रिजल्ट रैशनल हो जाए? एक नंबर है √2, दूसरा है -√2, दोनों ही इरेशनल है, ऐड करके क्या है आंसर? जीरो। जीरो। दिस इज लाइक एक्स माइनस एक्स, आंसर इज जीरो, एंड जीरो इज अ रैशनल नंबर। ये है इरेशनल, ये है रैशनल। इसका मतलब ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि मेरा आंसर इरेशनल ही आने वाला है या रैशनल ही आने वाला। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। सपोज मैं दो नंबर्स लू, वन इज 2 + √3 एंड अनदर वन इज 2 - √3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी, आंसर कैसा मिलेगा? रैशनल की इरेशनल? रैशनल रैशनल। यहां कौन सी आइडेंटिटी लगी? a + b इंटू a - b।